गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 5 द कोस्टल टेन्स एंड आइलैंड्स। सो अब हम इस चैप्टर में जितनी भी हमारी बुक एक्सरसाइजेस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज इज कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, आपका ये वेब चार्ट बना हुआ है, ठीक है, द कोस्टल टेन्स का वेब चार्ट बना है, आपको इसको फिल करना है। सो कोस्टल टेन्स आपके कौन कौन से होते हैं, आपका होता है वेस्ट कोस्ट, ठीक है, फिर आपका ईस्ट कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट, कोस्टल प्लेन्स, आप इसको भी लिख सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो कोस्टल प्लेन्स आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो वेस्ट की साइड में है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो आपके ईस्ट साइड में है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। फिर आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फर्दर किस में डिवाइड है, थ्री पार्ट्स में। पहला है आपका कोनकन कोस्ट, ठीक है, फिर है दूसरा आपका केनारा कोस्ट, थर्ड है आपका मालाबार कोस्ट। फिर आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ में आपका है नदर्न सरकार्स, साउथ में आपका है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, कोंकण कोस्ट, केनारा कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ में है आपका नदन सरकास और साउथ में आपका कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। आपको ये फाइव सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, आपको उसको रीड करना है, जो भी राइट आंसर है उस पर टिक करना है और यहाँ पे आपको फिल करना है। फर्स्ट वन इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नोन एज। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं, उनको हम एमराय आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे एमराय आइलैंड्स। सेकेंड है आपका द चिल्का लेक इज इन द स्टेट ऑफ। आपको बताना है चिल्का लेक जो खारे पानी की जो झील है चिल्का लेक, वो आपकी कौन से स्टेट में है, केरला में है, उड़ीसा में है या फिर कर्नाटका में है। तो चिल्का लेक आपकी उड़ीसा स्टेट में है। थर्ड वन इज डैश इज द नदर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। आपको ईस्ट कोस्ट का जो नदर्न पार्ट है उसको उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। केनारा और कोरोमंडल, केनारा कोस्ट तो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का है, कोरोमंडल ईस्ट कोस्ट का साउथ पार्ट है, ठीक है। तो नदन सरकास क्या होगा, ईस्ट कोस्ट का नदन पार्ट। नदन सरकार्स। द मालाबार कोस्ट कवर्स द इंटायर स्टेट ऑफ। आपको बताना है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो वेस्ट कोस्ट का जो मालाबार कोस्ट है वो कौन से स्टेट को पूरा कवर करता है, ठीक है, केरला को, कर्नाटका को या फिर गोवा को। तो जो आपका मालाबार कोस्ट है वो किसको स्टेट किस स्टेट को पूरा कवर करता है, केरला स्टेट को, ठीक है। लास्ट वन इज द रिवर दैट ड्रेन्स द वेस्ट कोस्ट इज। जो वेस्ट कोस्ट की जो रिवर है आपको उसको यहाँ पे फिल करना है। तो वेस्ट कोस्ट की कावेरी और महानदी आपकी ईस्ट कोस्ट की है, तो वेस्ट कोस्ट की कौन सी है, नर्मदा रिवर। सो थैंक यू क्लास।